सुप्रभात बच्चों, चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। अच्छी सी कहानी। एक छोटा सा घर था। उस घर के बाहर दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी खेलता खेलता राहुल, उनका जो पोता था राहुल, वो खेलता खेलता बाहर आया आंगन में और बाहर आकर खेलने लगा। खेलते खेलते एक नोकीला पत्थर उसके एड़ी में चुभ गया। एड़ी मतलब एड़ी, ए से एड़ी, एड़ी में चुभ गया और बहुत सारा खून निकलने लगा। राहुल चीखा। उसकी चीख सुनकर दादाजी अखबार छोड़कर दौड़कर पहुंचे उसके पास और देखा तो राहुल के एड़ी में से काफ़ी खून बह रहा था। दादाजी ने झट से राहुल को उठा लिया और घर के अंदर ले गए। उसके बाद राहुल की मरहम पट्टी की और उससे एक बात कही कि राहुल बेटा, जब भी तुम बाहर जाओ हमेशा जूते पहन के जाया करो, बिना जूतों के बाहर खेलने नहीं जाया करो। राहुल बात को समझ गया। फिर राहुल अपने दादाजी से कहने लगा कि मुझे भी बाहर बैठना है, मैं अब खेलूंगा नहीं, सिर्फ आपके साइड में एक कुर्सी लगाकर, आपके बाजू में एक कुर्सी लगाकर बैठूंगा और देखूंगा। दादाजी मान गए। दादाजी ने एक छोटी सी कुर्सी रखी अपनी कुर्सी के बाजू में और अपना अखबार लेकर बैठ गए। तभी दूर से एक सुरीली आवाज़ सुनाई दी। राहुल चौंक गया और देखने लगा कि कौन है। थोड़ा पास आने पर पता चला कि वो एक खिलौने वाला था जो एक तारा बजा रहा था। एक तारा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना? एक तारा होता है ना, एक तारा ऐसे ऐसे बजाते हैं। एक तारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है और वो एक तारा ऐसे बजाते बजाते पास आ रहा था। राहुल ने देखा, अरे ये तो खिलौने वाला है, वाह इसके पास तो इतने अच्छे अच्छे खिलौने, लेकिन ये क्या बजा रहा है? फिर उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये क्या बजा रहा है? दादाजी ने खिलौने वाले की तरफ देखा और कहा, ये तो एक तारा बजा रहा है। और खिलौने वाला पास आया। फिर राहुल ने कहा, मुझे भी एक तारा चाहिए दादाजी। दादाजी ने राहुल के लिए एक तारा खरीद लिया और उसे दे दिया। राहुल बहुत खुश हुआ एक तारा लेकर। तो बच्चों, हमने इस कहानी के जरिए कई शब्द ऐसे देखे जो ए शब्द से शुरू होते हैं, जैसे कि एड़ी, एड़ी, एक तारा, एक, एड़ी, एक तारा, एक, ए से एड़ी, एक तारा, एक। तो चलिए बच्चों, अब हम देखें कि ये ए कैसे लिखा जाता है। नीली रेखा से एक खड़ी रेखा, फिर एक तिरछी रेखा और ये नीचे जाकर ऐसे घूम जाएगी, फिर यहाँ से खड़ी रेखा और एक, फिर थोड़ी सी घूम जाएगी और ये नीली रेखा को छुएगी। ए, एक खड़ी रेखा, तिरछी रेखा और थोड़ा सा घुमा देंगे इसको, यहाँ एक खड़ी रेखा और इसको, ये जो नीली रेखा है इसको छू लेंगे। ये हो गया आपका ए। सीधी रेखा और तिरछी रेखा और इसको घुमा देंगे, खड़ी रेखा और इसको घुमा देंगे ऐसे, ये हो गया आपका ए। ए से एड़ी।
ए से एक, ए से एक तारा। तो बच्चों आपने देखा ए कैसे लिखा जाता है। बाकी अगले कक्षे में, तब तक के लिए।